तो भाइयों द मोस्ट अवेटेड मूवी फ्रॉम मलयालम सिनेमा, जिनको नहीं पता बेरोज, उसका ट्रेलर हैज फाइनली बीन अनाउंस्ड। तो साथ में देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं थोड़ी मूवी में, बहुत टाइम से पेंडिंग थी। यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। Treasure hunt. Guarded the treasure for centuries. So, someone who is will guard the treasure and has been guarding the treasure. Treasure को बचा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। Animation बढ़िया है। Ah, Goa. Mohanlal यार. Mohanlal. लुकिंग लाइक अ मतलब स्टोरी ओरिएंटेड मूवी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली अबाउट एडवेंचर। कहा था ना मलयालम मूवी बिना स्टोरी के होती नहीं। We reveal. The unforgettable story. Woo! अरे ये छोटा एनिमेटेड कैरेक्टर, ओह एनिमेटेड कैरेक्टर कौन है? फेरोज गार्डियन ऑफ ट्रेजर। वो डायरेक्टेड बाय मोहनलाल, आई थिंक डेब्यू डायरेक्टर। ओके 3D। सो भाई मैं ना एक्चुअली इस मूवी के बारे में काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था और फाइनली इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। रिलीज डेट मुझे अब तक आई एम नॉट श्योर कि ये 25 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है या उसके बाद रिलीज हो रही है, अभी भी डेट नहीं है। बट देखो मलयालम सिनेमा की जब भी मैं बात करता हूं ना, पीपल थिंक कि यार ये मलयालम सिनेमा के बारे में ज्यादा बोलता है। अभी पता चलेगा सबको कि मलयालम सिनेमा का क्रिएटिविटी का लेवल क्या है। और बाय द वे मोहनलाल सर तो डेब्यू उनका आई थिंक डायरेक्टर ये मूवी है एज अ डेब्यू डायरेक्टर। सो ये इट इज ऑन द लाइन्स ऑफ हैरी पॉटर, एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर ड्रामा पार्ट, जहां पे हम एक गार्डियन को देखेंगे जो ट्रेजर को अपने बचा रहा है गोवा के अंदर। कुछ सीन्स शूटिंग केरला की लग रही है। मूवी हैज बीन शॉट इन 3D, ऐसा मैंने पढ़ा है। इट्स नॉट बीन कन्वर्टेड, इट्स बीन शॉट। नाउ द पॉइंट इज द यूनिकनेस इज दिस इज अ प्योरली प्योरली फ्रेश कॉन्सेप्ट। अगर मैं इंडियन सिनेमा की बात करूं, इन फैक्ट मलयालम सिनेमा जिसका मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा एडमायरर हूं, इस टाइप की मूवी जहां पे ट्रेजर हंट चल रहा है और यू नो ऑन द लाइंस ऑफ वो वाली सब चीजें, एडवेंचर और वो सब चीजें, जादू मैजिक की दुनिया, ये अगर एक बार कनेक्ट हो जाती है ना मूवीज में, आपको एक बात बता रहा हूं यार, आप अगर किसी को लग रहा है कि ये बच्चों वाली मूवी है, ये मेरे से लिख के ले लो, मतलब देखने से ट्रेलर लग सकता है आपको, ये इस तरह की मूवी अगर कनेक्ट कर गई, इट विल ब्लास्ट एट द बॉक्स ऑफिस। बाय द वे मुझे ये भी नहीं पता कि अभी पैन इंडिया रिलीज है कि नहीं है। एज यूजुअल मेरी कंप्लेन सारी मलयालम मूवी से एक्सेप्ट मार्को, अभी कहीं कुछ नहीं लिखा हिंदी आई मीन तेलुगु कन्नड़ा वॉट एवर इज इट, अभी तो सिर्फ मलयालम का ही देखा मैंने ट्रेलर। बट मोहनलाल सर एक वेटरन एक्टर, एक डेब्यू डायरेक्टर आ रहे हैं, उम्मीदें बहुत हैं। ट्रेलर मुझे पसंद आया है और उससे ज्यादा मुझे इस पिक्चर को देखने की जो इंट्रीग वैल्यू है वो बड़ी है। मैं आज बोल दूं आपको कि ट्रेलर देख के ये आवेशम का रिकॉर्ड तोड़ देगी, गोट लाइफ का रिकॉर्ड तोड़ देगी, मंजुमल बॉयज का रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो नहीं कहूंगा। मगर मैं एक बात को जरूर अप्रिशिएट करूंगा दोस्तों, अगर कोई इंडियन सिनेमा में अगर ऐसे करने का ट्राई कर सकता है ना, तो वो सिर्फ मलयालम सिनेमा के ही राइटर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स और क्रिएटिव टीम है।
ये कोई कर ही नहीं सकता, ये रिस्क ही नहीं ले सकता। और मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूं, बट मेरे सिक्स्थ सेंस, मेरे अंदर की आवाज है कि ये मूवी एक बहुत बढ़िया मूवी निकल कर आएगी और ये हैरान कर देगी। वैसे भी मोहनलाल सर है तो इनिशियल किक ऑफ मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सी द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ द मूवी वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग एंड इट वॉज नॉट ओवर द टॉप, नॉट बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ द ट्रेलर। द कलर कोडिंग वॉज वेरी गुड। मोहनलाल सर लग रहे हैं यू नो वो वाले करेक्टर्स जो शायद गार्डियन हैं या घोस्ट थे पहले या अभी नहीं है, कुछ और करेक्टर्स आ रहे हैं बीच में, हमें कैट दिखती है वो कुछ न्यूएंसेस हैं, एक और करेक्टर दिखता है जो एक एनिमेटेड करेक्टर है, उसको बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया हुआ है। अब ये सब चीजें अगर स्टोरी के अंदर होंगी, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तभी मजा आने वाला है ऐसी मूवीज देखने का। ऐसी मूवीज देखने का एक बार चिपक गई ना तो इनके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर आप कितने भी निकाल सकते हो, बट क्वालिटी शुड बी देयर एंड दैट आई बिलीव हैज टू बी देयर बिकॉज इट्स अ मलयालम सिनेमा। सो मलयालम सिनेमा क्या नहीं कर सकता, वॉट मोर मलयालम सिनेमा कांट डू यार, वॉट मोर दे कांट ट्राई। बाय द वे दिसंबर में मार्को आएगी, दिसंबर में बैरोज आएगी, फिलहाल 25 दिसंबर मुझे लगता नहीं है मार्को के बाद एकदम आएगी, बट जब भी आएगी ये मलयालम सिनेमा का ही साल है। बहुत सारी मूवीज की मैंने बात करी बीच में क्योंकि इनकी मूवीज एक तो लगती नहीं है और दूसरा थोड़ा गैप आ जाता है कहीं कहीं मूवीज में। सो फुल मार्क्स फ्रॉम माई साइड और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस मूवी ऑन थिएटर्स। Take care. Bye-bye.